जोहर जोहार जय बाणा दे, जोहर जोहार। सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में अमरकंटक, जिसे हमारे बीच अमूरकोट के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और मैं पहले से ही आपको ये बात बता दूं कि अमूरकोट का नाम सुनते ही आप यह नहीं सोचिएगा कि हो गया, हम जानते हैं इस बारे में, क्या देखें यह वीडियो। इस वीडियो में बहुत सी जानकारियां आपको जानने को मिलेंगी, जो हम सब कोयतूर को जानना ही चाहिए, क्योंकि यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि अमूरकोट का हमसे क्या नाता है, उसका इतना क्यों महत्व है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी मिलेगी। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सगाजनों, हमारे प्राचीन अमूरकोट को वर्तमान में अमरकंटक कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। अमूरकोट का गोंडी में अर्थ होता है वह स्थान जो समुद्र के पानी में कभी न डूबा हो। और भारत की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा, बोले तो नर्मदा का उद्गम स्थल भी यहीं से है। गोंडी गढ़गाथा के अनुसार प्राचीन काल में जब शिरडी सिंगार द्वीप में फड़ाकल डूब, बोले तो महाप्रलय हुआ था, तब अमूरकोट ही एक ऐसा स्थान था जो समुद्र के जल की सतह के ऊपर दिखाई दे रहा था। वहां पर फरावन साई लांगरा, बोले तो ज्येष्ठ दाऊदाई का जीवित जोड़ा था, जिसने अपनी कोख से कोयाबंसी कोयतूर गोंडोला के गोंडीवेन गंड जीवों को जन्म दिया, और वहां से सिंगार द्वीप में आकर उन्होंने अपना वेल विस्तार किया। इस तरह पंचखंड द्वीप समूह के गोंडवाना भूभाग में निवास करने वाले कोयाबंसी गोंडीवेन समुदाय के गंड जीवों की उत्पत्ति स्थल अमूरकोट है। और जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद और डॉक्टर हंसमुख सांकलिया जैसे पुरातत्वविदों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राचीन काल में अमरकंटक के चारों ओर कभी समुद्र लहराता था। गोंडी गढ़गाथा के अनुसार फरावेन साई लांगरा ने आदि रावेन पेरियोल और आदि सुकमा पेरी ऐसे दो अंडालों, बोले तो बच्चों को जन्म दिया, जो कि बड़े हो जाने पर कछुआ और कौवा की मदद से समुद्र के जल को पार कर सिंगार द्वीप की ओर जा रहे थे, जो कि उस समय का एकमात्र थल स्थल था, यानी वहां पानी का भराव नहीं था। तभी पृथ्वी के गर्भ में अचानक हलचल हुई और अमूरकोट पर्वत ऊपर उठ गया, जिससे उस पर्वत के इर्द गिर्द जो महाझील थी उसका पानी ढलान की ओर बह निकला, जिसकी प्रवाह में बहते हुए कछुआ पर सवार होकर सिंगार द्वीप तक जा पहुंची। जल की जिस धारा प्रवाह में प्रवाहित होकर वे सिंगार द्वीप पहुंचे, उसे नर्मदाना धारा अर्थात फरावेन साई लांगरा ज्येष्ठ दाऊदाई शक्ति का कोया पिलांग धारा या कोया बच्चों का प्रवाह भी कहा जाता है। अमूरकोट में आज भी कोयाबंसी गोंडीवेन समुदाय के आदि गंड जीवों के जन्मदाता शक्ति फरावेन साई लांगरा का ठाना है, जिसे सलाम गागरा ठाना भी कहा जाता है। उसी ठाना को कोयाबंश भिड़ी भी कहते हैं। उसी स्थल से नर्मदा नदी की उत्पत्ति, बोले तो कोया पिलांग धारा को लेकर हुई है। कोया पिलांग धारा को वर्तमान में कपिल धारा कहा जाता है। वहां पर जो फरावेन साई लांगरा का ठाना है, उसकी स्थापना गोंडी पुनेम मुठवा रूपोलंग पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो ने शंभु गबरा के बताए अनुसार की थी, जो आज भी विद्यमान है। उसी फरावेन साई लांगरा शक्ति की उपासना तमाम गोंडियन समुदाय अपने अपने सरना स्थलों देवखटियानों, पेनठानों, पेनकड़ों या पेनभिनों में फड़ापेन, फरावेन, बुढ़ालपेन, बड़ेपेन, सजोरपेन, परसापेन, सिंगा बोंगा पेन, भाई लोटा पेन, कोरगू पेन आदि के रूप में आज भी करता है। अमूरकोट में मुख्य पेनगढ़ स्थापित कर वहां स्थित लिंगोगढ़ से रूपोलंग पहाड़ी पारी कुपाल लिंगो ने गोंडी पुनेम का प्रचार एवं प्रसार किया। हमारे पाटा कहते हैं कि समुद्र का पानी बह जाने के बाद फरावेन साई लांगरा का पुत्र आंधी रावेन पेरियोल के वंशजों ने
फिर से अमरकोट में अपना निवास बनाकर राज्य स्थापित किया। आंधी रावण के वंशजों ने स्वयं को रावण वंशीय कहना आरंभ किया, जिनमें लंकापति राजा रावण का समावेश होता है। पूना यूनिवर्सिटी दक्कन कॉलेज के पुरातत्व विभाग के प्रमुख डॉक्टर हसमुख सांगलिया ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि अमरकोट यानी आज का अमरकंटक में उनके इर्द गिर्द ही लंकापति राजा रावण की लंका थी। यही वजह है कि अमरकोट से सटकर जो शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, सरगुजा, सिवनी आदि जिलों के कोयावंशी गोंडीवन समुदाय के गण जीव स्वयं को रावण वंशीय गोंड कहते हैं और फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन उस गणराजा रावण के रूप में पूजा भी करते हैं। हमारे पाटा यह भी कहते हैं कि टोटल 88 शंभु हुए, जो अधिकतर सतपुड़ा की पैंकमणि में राज किए और उनमें से एक जोड़ी थी शंभु गबरा, जिन्होंने अमरकोट को अपना स्थान बनाया था। शंभु गबरा के समकालीन गोंडीपुने मोठवा रूपोलंग पहांदी पारी कुपाल लिंगो थे, साथ ही गोंडीपुने माता रायता जंगो भी थी। शंभु गबरा के पैनवासी होने के उपरांत पहांदी पारी कुपाल लिंगो ने शंभु गबरा पिंडों की प्रतिस्थापना की, जिन्हें आज भी शंभुग्राम, शालिग्राम या सेवाग्राम के रूप में पूजा जाता है। चूंकि शंभु गबरा पिंडों की स्थापना लिंगों ने की थी, इसलिए वे लिंगो पिंड, लैगो पिंड, लैग पिंड या लिंग पिंड के नाम से भी जाने जाते हैं। अमरकोट में इसके अतिरिक्त और भी स्थल हैं जो कोयावंशी गोंडीवन समुदाय के गंड जीवों की जन्मदाता शक्ति फराबेन सैलांगरा के मूल स्थल की पहचान बताते हैं। जैसे नर्मदाना उकाड़ एक ऐसा स्थल है जो गंड जीवों के ज्येष्ठ माता पिता फराबेन सैलांगरा का झूला है, वहीं से ही नर्मदा का उद्गम हुआ है। उस नर्मदाना उकाड़ स्थल को वर्तमान में नर्मदा अखाड़ा यानी प्रणय स्थल कहा जाता है। कुछ लोग उसे नंगा नंगी बैगा अखाड़ा कहते हैं तो कुछ लोग नागा अखाड़ा भी कहते हैं। नर्मदा उकाड़ स्थल में एक गांगरा दाई की मूर्ति स्थापित है, जिसके हाथ में गंड जीवाना धनिया बोले तो जीव जंतु पात्र है। वह इस बात का प्रतीक है कि नर्मदा सैलांगरा के प्रणय क्रिया से ही दाई की कोख से कोयतूरों की उत्पत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त वहां पर एक मारकड़ा पैनठाना है, जिसके चारों ओर शंभु गबरा की मूर्तियां हैं। मारकड़ा पैनठाना यह भी गोंडी शब्द है, जो माँ, धन अर्क, धन अंडा, धन पैन, धन ठाना के शब्दों का संग्रह है। माँ यानी मावा बोले तो हमारा, अर्क यानी दुख, अंडा यानी निवारक, पैन यानी शक्ति और ठाना यानी स्थल, अर्थात हमारे दुख निवारक शक्ति का स्थल, जिसमें नहाने से ही सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसी हम लोगों में मान्यता है। गढ़मंडला के गोंड राजा कर्ण सिंह ने अमरकोट में शंभु गबरा के 3 पैन स्थल बनाए हैं, जो आज भी वहां जीर्ण अवस्था में विद्यमान हैं। और ये सभी धरोहर और हमारी संस्कृति आज भी वहाँ पर उपस्थित है। हर वर्ष 14 जनवरी को वहाँ पर मेला लगता है। आपसे मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि जब भी आपको लगे एक बार अपने जन्म स्थल अमरकोट घूमकर जरूर आइएगा। तो सगजनों, ये रहा अमरकोट को लेकर एक विस्तृत जानकारी। आशा करता हूं कि वीडियो की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से सेवा जोहार।